ही मन को लालच हो गुण तो चुरू जब याद की याद निदान बने अति हिरण में तब जूझ मरू जब याद की याद निदान बने अति हिरण में तब जूझ मरू या ही काज धरा हम जन्मम समझ ले हो साधु सब मनमम धर्म चलावन संत उभारन दुष्ट सबन को मूल उपारन या ही काज धरा हम जन्मम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर पातशाह जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी ए आप जी का स्वागत है जी आया नू। अज असी आप जी नू कैसे महान युग पुरुष की कथा सुनाउंदे हां जिन्हां दे अवतार धारण नाल त्रिलोकी विच धर्म की जय जयकार हुई। पूरे भारत वर्ष का इतिहास गौरवशाली होया। बिहार की धरती उत्ते पटना शहर नू भाग लग गए जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म संमत 1723 पोह सुदी सत्तवीं यानी 22 दिसंबर 1666 नू होया। कथा इस प्रकार है कि जदों नौवें गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी धर्म पत्नी श्री गुजरी जी अते अपने साला साहिब भाई श्री कृपाल चंद जी दे नाल पटना शहर पधारे जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने किसे वेले सालस राय जौहरी नू अपने दर्शन दे के निहाल कीता सी। इसे जगह नू अपनी कृपा नाल सिख धर्म का पहला ते वड्डा प्रचार केंद्र भी स्थापित किया जिसका प्रमुख प्रचारक सालस राय जौहरी नू बनाया गया। जदों गुरु जी इथों जान लगे तो सालस राय ने बेनती की कि गुरु जी हुण आप जी के दर्शन कदों होणगे। गुरु जी ने उन्हां नू वचन दिता कि जदों असी अपना दसवां स्वरूप धारण करांगे इस हवेली विच कुछ साल भी गुजारांगे। इसे तरह पटना साहब की मुबारक धरती ते साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश होया। तह प्रकाश हमारा भइयो पटना शहर बिखे भवलइयो तह प्रकाश हमारा भइयो
पटना शहर विखे भवलई।